मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। MIM के कलवा मुमरा अध्यक्ष है सैफ पठान। MIM के उन्होंने दावत इफ्तार का आयोजन किया गुरुवार के शाम में। हम बात करें इस इफ्तार की, तो बहुत ही अनोखी बात इसमें ये रही कि सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी धर्म के लोग जो है इस दावत इफ्तार में मौजूद थे। और साथ ही साथ अगर हम कहेंगे इसे MIM की दावत इफ्तार, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि ये एक सैफ पठान द्वारा किया गया था। सैफ पठान ने हमसे बातचीत करते हुए जो है अपनी बातचीत रखी आगे सामने, और उनके साथ ही साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरहत अमीन शेख, वो भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थी। उन्होंने क्या पूरी जानकारी दी है वो हम आपको दिखाते हैं। साथ में मुंबई अध्यक्ष है MIM के फैयाज अहमद, उन्होंने क्या जानकारी दी है वो दिखाएंगे। और कलवा मुमरा MIM के ट्रेजर है जावेद सिद्दीकी सर, वो क्या जानकारी दे रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ अहमद नेता, वो भी MIM के, उन्होंने क्या जानकारी दी है वो भी देखिए। अफ्तार पार्टी का आयोजन रखा था, क्या कहना चाहोगे इस अफ्तार पार्टी के बारे में? देखिए, ये अफ्तार पार्टी हम लोगों ने शहर के लोगों के लिए रखी थी, जो हमारे यहाँ शहर की एक गंगा जमुना तहजीब है, सब लोग मिलकर मनाते हैं। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग भी, मुस्लिम भाई लोग भी, और भी क्रिश्चियन भाई लोग भी थे, अभी चले गए वहाँ यहाँ से। यानी काफ़ी सब लोगों को हम लोगों ने एक इन्वाइट किया था कि यानी हमारी जो तहजीब दिखाने के लिए, जो देश में माहौल बताया जा रहा है, और बुमराह से एक छोटा सा मैसेज देने की हमने कोशिश की थी, इसलिए ये इफ्तार पार्टी। ओके सर, एक और एक चीज़ अच्छी देखने मिली आपकी, खासकर इफ्तार पार्टी के अंदर के, यहाँ पे दूसरी दूसरी पार्टी के भी लोग देखने मिले थे, सिर्फ मतलब MIM के ही खासकर लोग नहीं दिखे, PFI के लोग दिखे थे, आम आदमी पार्टी के भी लोग दिखे थे, शायद NCP के भी कुछ लोग थे। तो इस थीम को लेके आपने क्या मतलब क्या सोचकर ये थीम बनाई थी? देखिए, हम लोगों ने हमेशा कहा है, हम लोगों का पहला जो एम है हमारे शहर के सुधार के लिए, हमारे शहर की एकता के लिए, यूनिटी के लिए। तो वो यूनिटी के लिए आज हमने सबको इन्वाइट किया था, और अलहमदुल्ला आपने देखा कि किस तरीके से मोहब्बत सबने दिखाई, कि हर एक पार्टी के साथ, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, मुस्लिम लीग, हमारे भाजपा, हमारे यानी RPI, सब हर पार्टी ने, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया है, भूल गया हूँ, फिर माफ कर, हर पार्टी ने यानी मैंने जिन लोगों को भी यानी ऐसे एक कॉल पर इन्विटेशन दिया था, सब लोग यहाँ पर इफ्तार के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज यहाँ पर जो इफ्तारी पार्टी हुई है, इसमें हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद थे, हर पार्टी के लोग मौजूद थे। सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ, और उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता बताई है, और मैं उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह सभी लोग मिलके हिंदुस्तान को पैगाम देते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये जो फिरका परस्त पार्टियाँ अपनी दुकान चलाने के लिए, अभी इस वक्त जो इन्होंने एक मस्जिद में अजान के बारे में इन्होंने जो आवाज़ उठाई, उनसे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सुप्रीम हाई कोर्ट का गाइडलाइंस है, किसी मजहब के लिए कोई भी कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए हम हिंदू और मुस्लिम सभी भाई मिलजुल के रहते हैं, और मुमरा शहर की ऐसी एक बहुत बड़ा मिसाल है, बहुत से मिसालें हैं, लेकिन यह मिसाल देने के लिए बहुत टाइम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आमद अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो देश के हालात के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, अगर जो लोग ये दंगा फैलाते हैं, वो उन लोगों को चाहिए यहाँ पर एक नज़र डालें। यहाँ पर हर रिलीजन के लोग, हर कास्ट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अरे जब हम लोग हैं जो खुशहाली से हम यहाँ रह रहे हैं, और हमारी हर चीज़ अच्छी से हो रही है, तो ये जो ऊपर सत्ता में बैठे उनको किस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, सबको पता है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भी समुदाय के लोग हैं, सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मेरे बाजू में खड़े, ये इनको बहुत खुशी हो रही है हमारे साथ यहाँ पर आकर इफ्तार करके। तो मुझे इस बात की खुशी कि जब हम सब एक साथ रह रहे हैं, हम एक साथ खा रहे पी रहे, एक ही रस्ते पर बैठ के हम इफ्तार खोल रहे हैं, तो आप जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, ये दंगे जो है ना, ये कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ दल के लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं है, इनको अपनी कुर्सी की बहुत परवाह होती है, इनकी कुर्सी कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म, ये सब करना होता है उनको। तो ये उन लोग का एक सिक्का होता है, ये हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इनके ऐसे ऐसे चक्कर में हम ना पड़े, हम अपनी शांति अपने देश में और अपने एरिया में बनाए रखें। असल में राज ठाकरे साहब जो है पागल हो गए, उनको ये सब बोलने के, तो ये नहीं है कि मुमरा ही हमारा, हम मुमरा के अंदर कोई लाउड स्पीकर उतरने वाला नहीं है, हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सारे भाई लोग हमारे साथ हैं, और ये पहला जो है रमज़ान का पहला अफ्तार पार्टी, पहला प्रोग्राम ये हुआ है मुमरा के अंदर, सब लोग हिंदू मुसलमान मिलकर और ये अफ्तार पार्टी को मनाएं, बस ये मैं सबका तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, रमज़ान का महीना सब्र का महीना, इबादत का महीना, रोज़े का महीना, और ऐसे मौके पर इफ्तार के अंदर आ जाकर मैंने
सभी धर्म सभी पक्ष के लोगों को यहाँ पर मैंने देखा। ये बहुत अच्छी मिसाल है कि मुमरा शहर में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया अफ्तार का, जिसमें सभी पक्ष सभी धर्म के लोग मौजूद थे। तो साहब पठान को मुबारकबाद कि उसने जो ये कार्य शुरू किया है, इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे इंशाअल्लाह। फैयाज भाई, जिस तरह से गलत फहमी फैली हुई थी कि आपसी इतना इत्तेफाकी है मुमरा शहर में, मुमरा शहर के तो मुसलमान ही आपस में पार्टियों की बुनियाद पर लड़ रहे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि सारे जो सियासी जमात थे वो लोग आए थे, एक बेहतरीन मैसेज किया था और जो कहते हैं ना बदली थी वो शक्ति भी नजर आ रही, क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीदें करते हैं आगे? ये पांच उंगलियाँ हैं, पांचों उंगली अलग अलग ढंग से, कोई मोटी है कोई छोटी है कोई लंबी, जब मुट्ठी बनती ताकत बनती है, तो मुमरा शहर मुट्ठी है, जब ये बनेगी ताकत बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुमरा की आवाम के लिए कोई संदेश? भाई मुमरा शहर जो है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है, जिसको बार बार जकूब किया गया, उनका पक्ष ताकतों में यहाँ के नौजवान यहाँ के बुजुर्ग यहाँ कितने भी वो जकूब किया गया है, तो आने वाला वक्त जो है मुमरा शहर मिसाल बनकर कायम होगा। और मुमरा शहर जो है ये मुंबई का मजमुआ है, फैयाज भाई मुंबई शहर में डुमरी के भी लोग हैं, भिंडी बाजार के भी लोग हैं, मदनपुर के भी लोग हैं, धराजी के भी लोग हैं, गोंडी के भी लोग हैं, चीता कैंप के भी लोग हैं, जोगेश्वरी के भी लोग हैं, मालनी के भी लोग हैं, माने पूरे बम्बई शहर को मिला लो आप तो पूरा बम्बई शहर यहाँ बसा हुआ। तो आज जो है ये बम्बई शहर में आया हूँ मैं, मुमरा शहर नाम है क्योंकि इसकी पहचान मजबूरी के तौर पर बम्बई शहर। भैया बम्बई में पूरे हिंदुस्तान में बसा? भैया मेरे बम्बई शहर देश का मजमू है, मुमरा बम्बई का मजमू है। आज मुंबई शहर में आपको यूपी का मिलेगा, बिहार का मिलेगा, गुजरात का मिलेगा, पंजाब का मिलेगा, बेंगलोर का मिलेगा, मद्रास का मिलेगा, कटरा मिलेगा, तो पूरे देश का मजमू जो मुंबई शहर और मुंबई शहर का मजमू जो मुमरा है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।